हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर एक ये जो एरर अपने को दिखता है विंडोज़ इंस्टॉलेशन के टाइम पर, जब आप विंडोज 10 वगैरह इंस्टॉल करते हो तो बहुत बार क्या होता है, डेल लैपटॉप के अंदर आपको ये एरर शो होता है कि नो बूटेबल डिवाइस फाउंड, प्रेस 1 की टू रिट्राई बूट और प्रेस 2 रिट्राई टू सेटअप यूटिलिटी और थर्ड ये, ठीक है। ये एरर हमारे इंस्टॉलेशन के टाइम पर आता है, जब मीडियम जब आपका हाफली इंस्टॉल हो जाता है विंडोज़, तो उसके बीच में ये जब बूट को जाता है तो ये एरर आता है आपको। तो इसको फिक्स कैसे करना है इसी वीडियो में हम बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लग रहा है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। ये स्टार्ट कर देते हैं इसको। ये देखिए, ये एरर आपको बहुत बार शो होता है आपके सिस्टम के ऊपर। तो इसको फिक्स कैसे करना है, तो आपको जो अगर ये एरर आया है इस कंडीशन में आपको क्या करना है, प्रेस F2 प्रेस करना है। F2 प्रेस करने के बाद ये F2 प्रेस कर देना है इसके बाद, और F2 प्रेस करने के बाद ये ऐसा लॉन्चिंग डेटा ऐसा करके एक विंडोज़ ओपन हो जाएगा। ये देखिए बायोस में चला गया है आपका अभी सिस्टम, और इधर आपको क्या करना है, कुछ सेटिंग्स इसको लगाना है इसके अंदर, ठीक है, एडिट करना है। सबसे पहले हम लोग एक ऑप्शन चेक करते हैं कि इसमें इसी सेटिंग्स इनेबल्ड है या नहीं है। ओके, ठीक है, ये देखो AHCI ये आपका ऑप्शन इनेबल होना चाहिए इसके अंदर। अगर आपका डिसेबल्ड है तो उसको इनेबल कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है आपको, इधर जाना है, इधर से आपको आपका टाइम जो एक्चुअल टाइम है वो सेट कर लीजिए इधर से। जैसे आज आज का डेट है तो आज का डेट आपको हिसाब से आपको सेट कर लेना इधर। ओके, तो अभी इसमें जाना है बूट, इसमें बूट सीक्वेंस में जाना है आपको, ये वाला ऑप्शन में जाना है आपको बूट सीक्वेंस में। तो देखिए इधर दो ऑप्शन है, एक लेगेसी है एक UEFI है। तो ऊपर वाला अगर आपके पास ऑलरेडी इनेबल्ड है लेगेसी करके तो उसको आप चेक कर देना, अगर आपके पास डिसेबल्ड है तो आप एक काम करना, इसको हम लोग रिस्टोर करेंगे ताकि हमारा जो ये लेगेसी वाला ऑप्शन है, अभी ये ग्रे आउट है, ये चेकेबल नहीं है, तो इसको क्या करना है, चेकेबल करने के लिए रिस्टोर सेटिंग्स पे क्लिक कर देना आपको। ये उस केस में है अगर आपका लेगेसी डिसेबल्ड है, उस केस में है ये, तो आप अभी इधर रिस्टोर करेंगे और फर्स्ट वाला ऑप्शन ही आपको सेलेक्ट कर रखना है बायोस डिफ़ॉल्ट और ओके कर देना है। ओके करने के बाद इसको भी ओके कर दीजिए, ठीक है। ओके, वापस से इसको एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। देखिए अभी एक मिनट, एग्जिट पे क्लिक कर देना एक बार, और वापस से एग्जिट पे क्लिक करने के बाद दोबारा से ये बायोस के अंदर जाएगा, F2 प्रेस करना है आपको। एग्जिट करना था आपको उधर विंडोज़ के ऊपर, और रिबूट को जाता है वो बायोस के लिए, बायोस में जाने के लिए। तो अभी इधर ये देखिए ऐसा एक विंडोज आ जाएगा आपके सामने, और इसको आपको F2 प्रेस करना है। F2 प्रेस करने के बाद ये बायोस में जाएगा, ठीक है। थोड़ा टाइम ले रहा है, ये डेल का है, डेल में मोस्टली मेरे को प्रॉब्लम आई है जो आपको फिक्स किया जाएगा इसको। ये उस टाइम आता है अगर आपका विंडोज इंस्टॉलेशन चल रहा है और बीच में आपका जब रिबूट के लिए जाता है तो आता है। ये देखिए अभी ये ओपन हो गया है, तो वापस से बूट सीक्वेंस में जाएंगे। ये देखिए लेगेसी ऑप्शन, अभी बूट सीक्वेंस में जाने के बाद लेगेसी ऑप्शन अभी इनेबल्ड हो गया है, दिखने लग गया, चेकेबल हो गया है। अभी इसको चेक कर दीजिए, चेकबॉक्स को चेक कर देना है, और HD रखना है सभी ऑप्शन इसको, और अप्लाई पे क्लिक कर देना है। ओके, आप सभी चेकबॉक्स चेक रहेंगे और अप्लाई पे क्लिक कर देना है, और इसको ओके कर देना है। इधर कुछ नहीं करना, बस ओके करना है इधर आपको, ये ओके पे क्लिक किया, ओके सेव हो गया।
और इसको एग्जिट कर दीजिए, एग्जिट पे क्लिक कर देना है। एग्जिट पे क्लिक करने के बाद ये रिबूट को जाएगा और जहाँ से आपका विंडोज स्टॉप हुआ था वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा और आपका ये प्रॉब्लम अभी दूर हो गया है, वो निकल गया है उस वहाँ से, फिक्स हो गया है। अगर आपको ये मेरा विंडोज़ ये मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, नीचे एक रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उस पर क्लिक कर दीजिए ताकि जो विंडो से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड, लैपटॉप से रिलेटेड कोई भी वीडियो जब मैं डालूँ तो आपको वो नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। ठीक है, देखिए ये विंडोज़ इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है, अभी आपका ये विंडोज़ जो भी 10 है 8 है कोई भी है आपका अभी इंस्टॉलेशन हो जाएगा। थैंक यू सो मच।